नगर निगम पंचकुला द्वारा पंचकुला शहर के सौंदर्यकरण और फायर स्टेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इन दोनों कार्यों का शुभारंभ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा किया गया है। इस दौरान हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पंचकुला शहर के सभी मुख्य रास्तों के सौंदर्यकरण, स्वच्छता, हरा भरा बनाने और विकास कार्यों के लिए नगर निगम पंचकुला द्वारा 7,98,00,000 रुपए से ज्यादा खर्च किया जाएगा। शहर की सड़कों की मरम्मत और शहर के एंट्री गेट्स का सौंदर्यकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर के सौंदर्यकरण के लिए 5 टेंडर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सेक्टर 20 में लोगों की मांग पर सब एक फायर स्टेशन भी शुरू किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि शहर के विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इस अवसर पर पंचकुला नगर निगम के मेयर कुलभूषण गोयल और पार्षद मौजूद रहे। चंडीगढ़ से संवाददाता सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। आज जो है शहर का सौंदर्यकरण से जो है शुभारंभ किया गया है, किस प्रकार से सौंदर्यकरण? देखिए, हमने नगर निगम चुनाव में भी और उससे पहले भी एक वायदा जनता के साथ किया था कि हम पंचकुला को स्वच्छ, सुंदर, हरा भरा और आत्मनिर्भर पंचकुला बनाना चाहते हैं। उसी दृष्टि से नगर निगम ने काम करना शुरू किया है और 7,98,00,000 रुपए के टेंडर जो हैं वो ब्यूटिफिकेशन के लिए लगाए जा रहे हैं। 5 टेंडर लग चुके हैं, 2 टेंडर अभी और लगने वाले हैं, जिसके माध्यम से जो हमारी जो मुख्य सड़कें हैं, जो द्वार हैं, हमारे जो एंट्रीज हैं, उनको ब्यूटीफाई करने का काम किया जाएगा। यहाँ के जो रोड बर्म्स हैं, यहाँ की जो ये कर्व एंड चैनल है, इनको ठीक करके जहाँ जहाँ पर भी सड़कों की कहीं मरम्मत की आवश्यकता है या जो हमारे राउंड अबाउट्स हैं, इनका भी ब्यूटिफिकेशन, और इसके साथ साथ जो एंट्री गेट्स हैं, जहाँ कहीं कमी नज़र आती है, इन सभी चीज़ों को हम ब्यूटीफाई करेंगे। और आपने देखा होगा कि जो हमारे अराउंड अबाउट्स हैं उनके अंदर हमने लाइट्स लगाई हैं। रात को जब पंचकुला के अंदर एंटर करते हैं तो एक कुछ अलग ही दिखाई देता है। तो मैं समझता हूँ कि इस पंचकुला को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सभी नागरिकों का सहयोग बड़ा आवश्यक है, सभी लोगों का सहयोग बड़ा आवश्यक है, चाहे वो कोई एनजीओ है, चाहे वो RWA हैं या और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको साथ लेकर के हम पंचकुला को ब्यूटीफाई करेंगे और पंचकुला का सौंदर्यकरण करेंगे। फायर स्टेशन भी खोलने जा रहे हैं सेक्टर 20? आज देखिए सेक्टर 20 के अंदर जो सब स्टेशन है फायर का, उसका भी आज उद्घाटन होने जा रहा है। ये बहुत पुरानी मांग थी सेक्टर 20 वालों की कि वहाँ पे सोसाइटीज़, काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर सोसाइटीज़ हैं, कहीं भी कोई हादसा हो सकता है, तो वहाँ पर जो सब स्टेशन है आज की, उसकी भी ओपनिंग हो रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.